जय श्री काल भैरव। गुरुजी जब यहाँ आश्रम बनवाना चालू किया तो हम यहाँ काम वाम करने आते थे, तब धीरे धीरे काम यही करते थे। तो एक दिन हमको एहसास हुआ कि गुरुजी से हम दीक्षा लें, तो हम गुरुजी से दीक्षा लिए। तो हमको पहले तो हमारे अंदर बहुत अहंकार था, जब गुरुजी से हम दीक्षा लिए तो सारा अहंकार जो है हमारा, हम किसी से बात करने लगे तो हाथ जोड़कर बात करते हैं, सब काम हमारा बढ़िया चल रहा है गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी जब हमको मिले पहली बार तो हमको ऐसा लगा कि कोई हमको भगवान मिल गए। अभी जो काम हम करते हैं, जैसे कोई काम करते हैं, जैसे कोई बिजनेस किया या कोई खेती में काम करते हैं, तो गुरुजी से अगर नहीं हम बताते ऐसे काम करते तो उसमें हमको नुकसान हो जाता है। जो गुरुजी से हम बात करते हैं कि गुरुजी हमको ये करना है, तो उसमें हमको अच्छा प्रॉफिट होता है। बाकी सब लोग हमसे पूछते हैं कि आपका सब बढ़िया काम चल रहा है छन्नू जी, तो हम बताते हैं कि हम आश्रम जाते हैं, गुरुजी से आज्ञा लेते हैं, वो काम हम करते हैं जो गुरुजी बताते हैं, इसलिए हमारा सब अच्छा चल रहा है। यहाँ काम कर रहे थे हम एक बार, तो हमारी लड़की छत पर से गिर गई। तो ये हुआ कि वहाँ से घर से फ़ोन आया कि छन्नू जी आपकी लड़की तो एक्सपायर हो गई। तो हम आश्रम में थे, गुरुजी तो आश्रम में थे नहीं। फिर जो है डॉक्टर के पास सब लोग ले गए, वहाँ डॉक्टर बोले कि ये लड़की तो एक्सपायर हो गई है, बचेगी नहीं। फिर हम गुरुजी से फ़ोन पे बात किए कि गुरुजी यहाँ हम आश्रम में काम कर रहे थे और हमारी लड़की छत पर से गिर गई। फिर जो है गुरुजी बोले कि आप चिंता मत करिए, आप रोना धोना बंद कीजिए, 10 मिनट में आपकी लड़की ठीक हो जाएगी। फिर गुरुजी कुछ ऐसा हमको बताए, वो क्रिया हम किए, और बाकी जो है गुरुजी बोले कि एक छोटी सी हम शक्ति छोड़ रहे हैं, अभी 10 मिनट में ठीक हो जाएगी। गांव के आदमी कई वहां थे अस्पताल में, ये सब सुन रहे थे गुरुजी से बात हो रही थी। 10 मिनट में हमारी लड़की जो है उठ के बैठ गई कि पापा घर चलो, हम ठीक हैं। वहां से हम अस्पताल से घर लाए, एक पैसे की दवाई नहीं कराए, यहां ला करके हम भभूत वभूत लगाए, बाकी सब गुरुजी की कृपा से अच्छा काम होता है हमारा। बाकी यहाँ जो है सब अच्छे से हमारा काम चलता है, बाकी सारा काम जो है बढ़िया चलता है। हमारे पास इतना पैसा वैसा नहीं था, जब गुरुजी से मिले तब हमारे पास कुछ पैसा वैसा नहीं था। फिर गुरुजी को हम 2021 में मिले थे, तब से हम जो है 18-20 दुकानें बनवाई गुरुजी की कृपा से। खेती में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बाकी कोई धंधा करो उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, गुरुजी से आज्ञा लेकर कोई काम करो तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हमको पता ही नहीं चलता है। कभी कभी ये होता है कि हम घर पे जो है बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, मतलब हार्ट के मरीज हैं, तो जब हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं तो गुरुजी की वीडियो देखने लगते हैं। तो हमको ये लगता है कि गुरुजी आमने सामने गुरुजी से बात हो रही है, तब हम बिल्कुल स्वतंत्र एकदम हो जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है हमको। तो यहाँ जो है सब बढ़िया चल रहा है। पहले तो हम बहुत छोटे आदमी थे, जब से गुरुजी मिले तब से हमारा काम आगे बढ़ गया, और हम तो जीवन में गुरु के अलावा हम किसी को मानते नहीं हैं। बाकी जो कुछ है हमारे वो गुरुदेव हैं, बस उन्हीं के चरणों में हर समय हमको रहना है और उन्हीं से सब हमारा कल्याण होगा। जय श्री काल।